हेलो फ्रेंड्स, टीएमए सॉल्वर में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में एनआईएस के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो एनआईएस का जो स्कैम होता है, उस स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप इसको आखिरी तक देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। यही सब स्कैम में से एक तो है कि आपको फ़ोन करके कोई लोग बताएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम का पूरा पेपर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सॉल्व करके देगा, उसके बाद में आपको पैसा देना पड़ेगा। ये एक तो स्कैम हो गया। दूसरा स्कैम है आपका, आप एग्ज़ाम दिए है पर आपका जो अटेंडेंस में आपका जो रिज़ल्ट है वहाँ पर एब्सेंट दिखा दिया। एंड अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई लोग आपको पूछ बोलेगा कि ये आपका जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास है, ले लीजिए, इसके बदल में पैसा देना होगा। ये सब स्कैम है। तो ये स्कैम से कैसे बचना चाहिए, कैसे आप बांच सकते हैं और क्या क्या होता है आसान में, सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। इस एनआईएस बोर्ड में आपका जो स्टडी सेंटर है वो भी आपसे लूटता रहता है, तो आप कैसे बांच सकते हैं मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले तो कोई स्कैम, अगर कोई आपको फ़ोन करके बोले कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम फॉर्म हम वो एग्ज़ाम हम दे देंगे, हम आपसे पैसे लेंगे, तो पैसे लेंगे तो ऐसा नहीं बोलता, पर वो आप लोगों को आपका उन लोगों का ठिकाने में आप लोगों को बुलाता है कि आप लोग आए, तो आप लोग जाते हैं तो आप लोगों से पैसा लेता है। पैसा लेके पर कुछ असल में होता ही कुछ नहीं है आपका। मैं बहुत स्टूडेंट को देखा हूँ कि वो लोग ऐसे चंबुल में फंस के अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देता है, अपना साल भी गवा देता है, पर असल में होता कुछ नहीं है वो सब। और एक बात है, वो जो आप लोगों का जो नंबर लिखा आप लोगों को फ़ोन करता है वो मिलता है आप लोगों का स्टडी सेंटर से, तो ये पूरा स्कैम का घोपला मिला जुला के है। मैं बोलता हूँ कि आप जब एडमिशन ले तो कोई जेन्युइन एनआईएस सेंटर से एडमिशन ले, जहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ चुका है, जहाँ का रिकॉर्ड अच्छा है, उसी सेंटर पे ही आप एडमिशन ले। ऑनलाइन एडमिशन जो होता है उससे थोड़ा बचे, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ पे आपका होगा, आपका सेंटर मिलेगा, वो आपको नहीं पता, और वो लोग कैसे आप लोगों को ट्रीट करेगा वो भी नहीं पता। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप हमेशा एक जेन्युइन कोई एनआईएस स्टडी सेंटर में ही आप एडमिशन ले। दूसरा आप कुछ समय अंतर ही एनआईएस का जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिए, क्योंकि वेबसाइट में ही आपको कब एग्ज़ाम फीस भरना है, कब टीएमए सबमिट करना है, कब क्या करना पड़ेगा, सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। तो ये तो आपको करना ही होगा। और आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे जो शहर है उससे अच्छा संपर्क बना के रहिए, क्योंकि सब करने का मालिक वही है, ठीक है ना। तो आपका जो टीएमए मार्क्स वही देता है, कुछ भी हो तो वही करता है, पर आपका जो पी का पब्लिक एग्ज़ाम का मार्क्स वो नहीं देता। पब्लिक एग्ज़ाम के बारे में हम बोलने जा रहे हैं, तो पब्लिक एग्ज़ाम में आपका कोई केंद्रीय विद्यालय में ही आपका जो एग्ज़ाम होता है, एवं एंड उसका जो आप जब लिखते हैं आपका जो एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो वो सील पैक होके वो INIS का जो रीजनल ब्रांच है वहाँ पर जाता है, वहाँ से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है कोई टीचर को, जो वो आप लोगों का जो आंसर शीट है वो एवेल्यूट करके वो मार्क्स वो आपको NIS हेड ऑफिस में सबमिट करता है। पर क्या होता है कि आप वहाँ पर गए, आप एग्ज़ाम दिए पर आपका रिजल्ट में आ गया कि आप एब्सेंट है, वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ पे आप हर वक्त साइन, वहाँ पर एक साइन का ऑप्शन होता है जहाँ आप एग्ज़ाम दिए हैं, और उसके संग एक स्टैम्प भी होता है, तो आप जब भी एग्ज़ाम दे उस स्टैम्प में साइन करवा, उस क्वेश्चन पेपर में जो इवोल्यूशन वहाँ पर रहता है जो एग्ज़ाम का देखभाल करता है उसका साइन एंड उसका स्टैम्प जरूर ले। एंड टीएमए सबमिशन के टीएमए ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट सबमिशन करने के बाद उसके एक एक्सरॉक्स कॉपी जेरोक्स कॉपी आपके पास हमेशा एक कॉपी रहना चाहिए, और वो जो जहाँ पर आप सबमिट किया है वो जो स्टडी सेंटर का टीचर से साइन करवा के वो जेरोक्स कॉपी आपके पास रख दीजिए।
तो एग्ज़ाम देने के बाद भी आपका एबसेंट क्यों आता है? क्योंकि आपका जो वहाँ पर जो एवेल्यूटर जो सीट है वहाँ पर आपका नाम आप वहाँ पर साइन नहीं करते, और अगर करते भी है तो वो लोग वहाँ पे आपका नाम नहीं पहुँचाते क्योंकि आपका कोई प्रॉब्लम हुआ था स्टडी सेंटर में, स्टडी सेंटर से आपका नाम सही से नहीं गया, उससे वो एवेल्यूशन नहीं हुआ। तो हर वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्टडी सेंटर से ओरिजिनल सेंटर से काम कर रहे हैं तो उसका कॉपी हमेशा आपके पास रखिए। हर कुछ समय अंतर अंतर ही आप आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर विजिट कीजिए, सर से वहाँ पर जो सर है उनसे बातचीत कीजिए कहाँ पर क्या करना होगा, क्या इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। उसके बाद नहीं हो आप जा नहीं पा रहे हैं तो फ़ोन नंबर लीजिए, फ़ोन नंबर से उसे उन सर से बातचीत कीजिए। और जो मैं बताने वाला हूँ जो और जो होता है कि आपका जो एग्ज़ाम के लिए जो पैसा लेता है वो कुछ नहीं होता, आपका साल बर्बाद हो जाएगा, कहाँ पर भी पैसा नहीं दीजिए। और जो कहता है जो एग्ज़ाम पेपर लीक कर देगा, एग्ज़ाम पेपर आपको दे देगा, वो नहीं होता, एग्ज़ाम पेपर कभी नहीं होता। आप जो एग्ज़ाम देंगे तो आप देख सकते हैं उनका 6 से 7 से 8 9 तक सेट होता है, आपका पहले वाला का ए सेट, उसका बाद जो होता है उसका बी सेट, उसका वाला सी सेट, तो कब किसको क्या मिलेगा वो नहीं पता होगा। और वहाँ पर क्वेश्चन भी थोड़ा अलग होता है, तो ऐसे भी कोई लीक नहीं कर सकता। हम बहुत जगह बोलता है कि आप हमको पैसा दीजिए हम आपको पास करवा देंगे, आपका आंसर हम लिख देंगे, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वो एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करवाता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका फेस देखकर, आपका फ़ोटो देखकर, आपका जो एडमिट आता है वो देखकर आपको अंदर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री मिलता है। तो इन सब से बच के रहिए, और इना उसका जो वेबसाइट है वहाँ पर चेक करते रहिए, और आपका जो स्टडी सेंटर का जो सर है उनसे, सर और मैम है उनसे बातचीत करते रहिए कब क्या होने वाला है, कब देना पड़ेगा, क्या कब सबमिशन का क्या डेट है, कब क्या करना पड़ेगा, वो लोग बहुत हेल्प करेगा। और कुछ कुछ स्टडी सेंटर, जब आपका स्टडी सेंटर आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है तो आप रीजनल सेंटर में विजिट करिए। आप NIOS वेबसाइट में कहाँ पर आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, आप कहाँ पे है वो वेबसाइट में सब कुछ दिया हुआ है। तो वेबसाइट में कैसे, वेबसाइट पे कहाँ पे क्या होता है उसका ऊपर वीडियो में, इसका बाद में वो वीडियो आने वाला है, देखते रहिए। मैं फिर से कहता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में लिखिए, कोई भी फ्रॉड में मत पड़िए, कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ जो आपका समझ में नहीं आ रहा है इस चैनल में कमेंट कीजिए, और यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर आप कुछ बेझिझक वहाँ पे बताइए, वो लोग बहुत हेल्प कर देगा। TMA ज़रूर सबमिट कीजिए, उसके बाद पब्लिक एग्ज़ाम ज़रूर दे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ज़रूर दे, इन सब मिला के आपका जो रिज़ल्ट है वो होता है। अगर कोई मिस हो जाएगा तो आपका रिज़ल्ट में कुछ नंबर के वजह से आप फेल भी हो सकते हैं। तो सब एग्ज़ाम अटेंड कीजिए, कोई भी एग्ज़ाम ना छूटे, और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट विशेस फ्रॉम TMA सॉल्वर, थैंक यू।